राजस्थान 12 में एक तरफ सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं चला रही है और दूसरी तरफ पोषाहार ठेकेदार बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शाहबाद उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मझोला में बच्चों को मिलने वाले खाने में लापरवाही देखी गई है। यहाँ सड़ी गली सब्जी स्कूली बच्चों को खिलाई जा रही है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर से भी शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि SDM और कलेक्टर को शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अनिल राघव प्रधानाध्यापक मझोला ने बताया कि आज भी सड़ी गली बैंगन थे जिसमें कीड़े लगे थे। मैंने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। बेटा तुम्हें खाना कैसा मिल रहा है स्कूल में? सर अच्छा नहीं मिल रहा, यहाँ पर इल्ली निकल रही है खाने में और दाल और वैसी बना रहे हैं। और फल? और 2 सप्ताहों से फल नहीं लाए। अच्छा। और फल लाते हैं तो उनमें भी सड़े निकलते हैं। तो आप अपने हेडमास्टर को नहीं बोलते क्या? सब बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, उनसे तो उनकी मतलब नेता हैं कि वो हमारी बात नहीं मानते। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर रोशनी नंदिनी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।